या तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हम लोग रिवीजन करेंगे, जैसा कि पहले कुछ टॉपिक्स का हम लोग क्विक रिवीजन किया, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसी तरीके से पीएनसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें सबसे पहली खास ये बात है कि अगर पहले से आप इस टॉपिक्स को, जैसे प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ मैथ्स के ऐसे टॉपिक है, अगर आपने पहले से करके नहीं गए, एग्जाम में आप इसको हिट करते हैं तो एग्जाम में आप क्वेश्चन जरूर हिट कर ले जाएंगे, बट कन्फर्म ये तय है एग्जाम में आपका आंसर जरूर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेडिक्शन में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर सेट करते हैं जो आपको लगता है कि वो सही होगा। ठीक है, तो आप पहले फुल कॉन्फिडेंट में ये चीज कर एश्योर कर लें कि अगर हम एग्जाम में क्वेश्चंस को हिट करते हैं तो 100% तय बात है ये कर ले जाएंगे। तो पहले से आप इस बात को जरूर एश्योर कर लेंगे कि कोई क्वेश्चन हम करते हैं और आंसर अगर निकलता है उसमें कोई डाउट नहीं है तभी जाके एग्जाम में हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज डाउटफुल क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही मच इंपॉर्टेंट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, और इसपे जो हमने पार्ट लिए हैं ऑल पॉसिबल पार्ट्स, ठीक है, जितने मैक्सिमम बन सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन उठाया, एक मतलब इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। करेंगे क्या, 5 girls 6 boys 7 girls 9 boys, बस इस तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को चेंज करते हैं, या गर्ल्स और बॉयज की जगह कोई और ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। दो टाइप के, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिए गए, गर्ल्स को हाउ मेनी गर्ल्स आर हियर, 5 girls हैं, 5 boys हैं एंड 5 girls हैं। करना क्या है, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब है कि कंडीशन किस पे लगी हुई है, गर्ल्स पे, ठीक है, बॉयज पे कंडीशन नहीं लगी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि बॉयज को नहीं बैठाना है, केवल और केवल गर्ल्स को बैठाना है। पहले बता दिया गया कि सीटिंग, जो सीटिंग प्लान बनाया जाएगा वो टारगेट किसको करेगा, गर्ल्स को या बॉयज को, गर्ल्स को टारगेट करेगा, दोनों को, 10 लोगों को तो हर हाल में बैठाना ही हमारे दिमाग में टारगेट रखना है। मैंने बोला कि बस क्या होगा कि कंडीशन के तहत हम भूल जाते हैं, जब भी कंडीशन इम्पोज होती है तो हम पूरा फोकस उस पर करते हैं जो कंडीशन लगी है, बट हम भूल जाते हैं कि पहले ऑलरेडी हमें कौन सा काम या कौन सी जॉब दी गई। तो यहाँ पे जॉब थी कि 5 boys and 5 girls को कतार में पंक्तिबद्ध बैठाना है, बट कंडीशन यहाँ पे इम्पोज की गई कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। तो पहले ये ध्यान रखना ही है कि अगर n ऑब्जेक्ट या n थिंग्स लाइन में अलॉन्ग अ लाइन या किसी रो के अलॉन्ग बैठते हैं तो n फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है, जब उनमें कोई डिफरेंस नहीं माना गया, कोई कंडीशन इम्पोज नहीं हो रही है, जिसको बोले NPN, क्या बोलेंगे, सिंपल NPN, यानी n चीजों को परमुटेट करना, n चीजों को व्यवस्थित करना, ठीक है, और उसको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक, अब उन्होंने कहा कि लड़कियां साथ बैठी, तो हमने बताया था क्योंकि लड़कियों को एक पिंजड़े में बंद कर देते, लाइक पिंजड़े का मतलब है कि वो इसमें रहेंगी तो एक साथ रहेंगी, तो कितनी, कितने आइटम्स या कितने ऑब्जेक्ट्स या गर्ल्स कितने हैं, 5, तो 5 आ गए, तो अब 5 की हेडक है कि इस बॉक्स की हेडक है, तो एक ये बॉक्स हो गया, बाकी कितने की और हेडक है, प्लस 5 boys, तो 5 और 1 6 आइटम्स यहाँ पे हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 6 ऑब्जेक्ट्स को, n ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से, तो 6 ऑब्जेक्ट्स को फैक्टोरियल 6, ठीक है, यानी कि 6 ऑब्जेक्ट्स को फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठाला गया तो सारे लोग बैठ गए, बट कभी यहां पर कहीं ऐसा बोला गया कि लड़कियां एक ही तरीके से बैठे, लड़कियां आपस में चेंज हो सकती हैं, वो आपस में कितने तरीके से, अब ये इनके साथ साथ चेंज हो सकती हैं कि आइदर या एंड, मतलब सारे बैठ रहे हैं उसके साथ साथ ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 times और हो जाएगा, हर एक अरेंजमेंट के लिए कितना, फैक्टोरियल 6, अब ये कितने तरीके से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके, जैसे कि हमने बोला कि किसी आप फंक्शन में जाते हैं और जब आप फोटोग्राफ स्टेज पे खिंचवा रहे होते हैं तो जो कुछ लोग क्या करते हैं, स्टैटिक एक ही जगह रहते हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन टाइप जिनको बोलते हैं, और पीछे वाले लोग आपस में क्या करते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, तो वो उनकी पोजीशन चेंज होने से पूरी फोटोग्राफ की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो एक को स्टैटिक मान के फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठाला गया, अब ये कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से, उतने ही गुना ये हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दिया ऐसे ही, क्या है सेम, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहीं पर आ गया। अब यहां पर ध्यान दें,
इन दो क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो जाता है, यहां पर क्या है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, और यहां पर है ऑल द गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब कोई भी दो लड़कियां, तो कोई भी दो लड़कियां आपस में एक साथ ना बैठे। जब दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी तो तीन लड़कियां एक साथ बैठ सकती हैं। जब दो को ही मिलने नहीं देंगे तो तीन मिल पाएंगी, चार मिल पाएंगी, पांच मिल पाएंगी, पांच के बाद सारी मिल पाएंगी। तो सारी ना मिल पाए या कोई दो ना मिल पाए, तो कोई दो ना मिल पाए मतलब सारी लड़कियां अलग 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 रहे, ठीक है। इसमें ये हो गया। और ये वाले क्वेश्चन का लॉजिक हम बता रहे हैं, और इस वाले क्वेश्चन का लॉजिक है ऑल द गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, मतलब सारी लड़कियां एक साथ ना आए। तो किसी ने बोला कि सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, इसका मतलब उससे कम चार लड़कियां एक साथ बैठ सकती हैं। इस पे कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीन लड़कियां, दो, अकेले, अकेले भी हो सकते हैं। बस केवल हमें कहां पर ध्यान देना है कि सारी अगर इकट्ठी हो गई ये नहीं होने देंगे, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, इस वाले में सारी एक साथ नहीं आएंगी और इस वाले में कोई भी दो, मतलब लड़कियां एक साथ आएंगी नहीं, कोई भी दो, ठीक है। तो सारी एक साथ नहीं आएंगी, तो हमारा क्या टारगेट क्या कि सारी एक साथ ना आए। जब दो एक साथ दिखे, किसी को बोल दिया कि सारी लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे लगे हैं, कोई दो दिखे तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे, बोलिए। तीन दिखे ऑब्जेक्शन करेंगे, चार दिखे ऑब्जेक्शन करेंगे, कब करेंगे? तो सारी कब दिखेंगी, सारी कब दिखेंगी? ये वाले में क्या थी, सारी लड़कियां एक साथ थी। और कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है? 10 factorial, 10 factorial में हो सकता है, और इतने तरीके से साथ में देख सकती। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो टोटल से ये निकाल दे, बचा क्या? या तो दो साथ में दिखेंगी, या तीन साथ में दिखेंगी, या चार दिखेंगी। सारी वाली हटा दी गई, तो इसका मतलब सारी साथ में नहीं दिखेंगी। इसका आंसर नहीं है। किसका था? हाँ, ये फोर्थ वाले का आंसर अभी आया, मतलब ध्यान देते रहे। इसका आंसर दे चुके हम लोग, इसका आंसर दे चुके, इसका भी आंसर अभी आ चुका है, ठीक है। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। अब कोई दो लड़कियां एक साथ ना बैठे, तो दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को नहीं मिलने देंगे, तो उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दे, मतलब कोई बाधा लाइक दीवार, ठीक है। तो उसके लिए अब यहां पर कोई फिजिकली ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है। इसके लिए कौन आएंगे रोल में? बॉयज। तो सबसे पहले बॉयज को आप एज ए बॉल या लाइक जिससे कि एक दूसरे को मिलने ना दे। कितने बॉयज हैं? पांच बॉयज को पंक्ति में, लाइन में बैठाना है। किस तरीके से बैठेंगे वो? हाँ, मतलब फैक्टोरियल। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर अभी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जब आंसर आ रहा है, तो पहले सबसे बॉयज, इन बॉयज को हम लोग बैठा रहे हैं। ये बॉयज फैक्टोरियल फाइव तरीके से बैठ गए, मतलब फैक्टोरियल फाइव तरीके से बैठे। इनके बीच में गैप है या नहीं है अभी इस बारे में कोई मतलब नहीं है। वो वर्चुअली पांच लोग एक कतार में फैक्टोरियल फाइव तरीके से बैठ गए, इधर उधर कहीं भी, ठीक है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि उनके बीच में गैप है या नहीं है। सबसे पहले हमने बॉयज को बैठा ला। अब हम मान रहे हैं कि लड़कियों को पहले ही हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, जो बैठने जा रही है उनसे बोला कि आपके पास ये स्पेस है, 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 ठीक है। जब भी अरेंजमेंट होता है, तो जब भी अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट जो लोग आ रहे होते हैं वो क्रिएट नहीं करते हैं, जो वहां पर देख रहे होते हैं वो क्रिएट करते हैं। पहले से ऐसे अरेंजमेंट बना देते हैं कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर जगह पर ही बैठना है, तो अरेंजमेंट चलता रहेगा। जब बॉयज बैठ गए थे तो गर्ल्स को केवल इन सीटों के लिए ही दिखाया गया। तो कितनी सीट्स हैं? अब छह सीट पर अगर कहीं भी लड़कियां बैठेंगी तो कभी भी एक दूसरे के साथ आ पाएंगी? नहीं आ पाएगी। मेरी बात समझे कि बॉयज को कोई भी हिंट नहीं दी गई, बात ये बोला गया कि सबसे पहले आप बैठ जाइए, ठीक है। उनके बाद उनके बीच में गैप क्रिएट किया गया और अगल बगल भी बैठा दिया गया। तो कितने प्लेसेस हैं गर्ल्स के लिए? गर्ल्स कितनी है? हाँ, तो पहली गर्ल्स बैठने जा रही है, तो पहली गर्ल्स के लिए कितने प्लेस है? बॉयज बैठे या नहीं बैठे? तो बॉयज बैठने के साथ साथ ही काम हो रहा है कि अथवा में हो रहा है? साथ साथ हो रहा है। तो साथ साथ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। पहली गर्ल्स के लिए छह, दूसरी गर्ल्स के लिए, तीसरी गर्ल्स के लिए, तीसरी गर्ल्स, फिर कितनी गर्ल्स हो गई? चार गर्ल्स चली गई,
पांचवी गर्ल्स बैठेगी नहीं बैठेगी, उसके लिए कितने स्पेस, दो में दोनों पे बैठ जाएगी, कितनी स्पेस, एक स्पेस वो लेगी, पर ऑप्शन कितने हैं, दो में से कोई एक ले लिए, ठीक है। तो गर्ल्स भी बैठ गए और बॉयज बैठ गए, बट किस बात को ध्यान रखा गया, गर्ल्स और बॉयज साथ साथ नहीं आए, कोई भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं आए। यहां पर बॉयज साथ साथ हो सकते हैं, बोलिए, नहीं हो सकते। यहां पर लड़की को बैठा दिया गया, ठीक है, यहां पर लड़की को बैठा दिया गया, यहां पे लड़की को बैठा दिया, कितनी लड़कियां बैठ गई, यहां पे लड़की को बैठा दिया गया, यहां पे लड़की को बैठा दिया गया, इनके बीच में गैप बना रहेगा, ये मानने वाले हैं, इनके बीच में दीवार नहीं, मान पाएंगे, हैं? कमीनापन शुरू हो जाएगा, दोनों आपस में, ये वर्चुअल था स्पेस, मैंने बोला कि ये क्या है, मान रहे हैं पर कोई बैठा ही नहीं, तो वो स्पेस यूज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में स्पेस नहीं है। वो लड़की अगर नहीं बैठी, इसका मतलब उन्होंने स्पेस नहीं माना, ठीक है, या वो बदतमीज हो गए बॉयज, स्पेस नहीं मान रहे होंगे ना, इसलिए वो नहीं बैठी ना, ठीक है। तो ये दो लड़के साथ में, अगर लड़कियां तीन होती तो, लड़कियां तीन होती तो फिर बॉयज साथ में आ सकते थे। तो ये मतलब मजाक की बात, एक अलग है, हमने बता रहा कि लड़कियां साथ में, कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं आएंगे, बॉयज साथ में आ सकते हैं और नहीं आ सकते, इस पर हम लोग कंसर्न नहीं है। तो इसका भी आंसर हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज सिट अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग मतलब पहले बॉयज आए फिर गर्ल्स आए, फिर बॉयज आए फिर गर्ल्स आए, ठीक है। तो जब अल्टरनेट बैठेंगे तो सबसे पहली वाली प्लेस के लिए, फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, दो। दो ऑप्शंस का मतलब या तो गर्ल्स से शुरुआत करेंगे या बॉयज से, ठीक है। तो दो तरीके से आपने क्या किया, फैक्टोरियल टू तरीके से आपने गर्ल्स या बॉयज को सिलेक्ट करने का तरीका ले लिया। अब पहले प्लेस पर अगर गर्ल्स बैठ गई तो अब दूसरी प्लेस पे कौन बैठेगा, फिर तो गर्ल्स के लिए कितने स्पेस आगे तक, छह, और बॉयज के लिए आगे तक, मतलब पहले प्लेस पे अगर लड़की बैठी तो 1, 3, 5, 7, 9 इस पे गर्ल्स चली जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10 इस पे क्या चले जाएंगे, बॉय। तो बॉयज को तो 2, 4, 6, 8, 10 फाइव सीट्स ही दिखाई पड़ेंगी, गर्ल्स को 1, 3, 5, 7, 9 कितनी सीट्स दिखाई पड़ेंगी। तो लड़कियों के लिए कितनी सीट्स हैं, पांच लड़कियां पांच सीट पर और पांच लड़के पांच सीट्स पर, ये एक साथ ऐसा होगा कि अलग अलग होगा, और जब कोई एक काम एक साथ होता तो क्या होता है, और पहली प्लेस पर लड़कियां ही आएंगी, हाँ, तो लड़के और लड़कियां आ सकती है, तो मल्टीप्लाई लड़कियां पांच फैक्टोरियल फाइव तरीके से, साथ साथ लड़के भी फैक्टोरियल फाइव तरीके से। तो ये तरीका क्या था, अल्टरनेटिंग। मैंने कहा नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर और गर्ल्स एंड बॉयज अल्टरनेटिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस दीज क्वेश्चंस में। आप कंफ्यूज अगर हो गए तो क्वेश्चंस को आंसर गलत तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें, लास्ट में हम लोग रिवाइज नहीं करते और गलत तरीके से आंसर्स लगा जाते हैं। टू पर्टिकुलर गर्ल्स सिट टुगेदर, टू पर्टिकुलर बॉयज नॉट सिट टुगेदर, दे देंगे आंसर, मुझे लगता है ये बता दें अभी, कितना तो कर लेंगे ना, ठीक। पर्टिकुलर मतलब दो आप क्या करेंगे, वो पहले से है उनको क्या करेंगे, अभी लड़कियों को कितनी लड़कियों के पिंजरे में डाला था, अभी लड़के हैं लड़कियां, और टू पर्टिकुलर बॉयज नॉट, इनके साथ भी ऐसा है, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखें, हमने किया क्या यहाँ पे कि इस सारे क्वेश्चंस के जो पार्ट हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का एक कॉमन हमने ऑप्शंस बना के रखे हैं, ये सारे ऑप्शंस जो हैं इन सारे क्वेश्चंस के ही हैं, ठीक है। क्वेश्चंस फाइव हैं और ऑप्शंस कितने हैं, वो एक ही है, तो एक ही सेट है, इसी में ही आपको आंसर देना है, कंफ्यूजन रहता है ज्यादातर, 4 की पावर 5, 5 की पावर 4 यही करते रहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर रखे हैं। तो इस कंफ्यूजन को हम लोग लास्ट टाइम ही हटाते हैं, ठीक। आप ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप विजिबल ना हो उतना सही से, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आप देखते जाएं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, पहला पार्ट को, कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग फाइव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ईच हैविंग फोर चॉइसेस, मतलब जैसा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, उसके चार ऑप्शंस होते हैं, तो चार ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस लिए गए और कितने लिए गए, पांच यहाँ पे लिए, कितने ले लिए गए, पांच, पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और हर क्वेश्चंस का
ऑप्शंस कितने हैं? चार। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक भी नहीं आते हैं तो एक के भी नहीं देंगे, या तीन के आते तीन के देके चले आए। ये ऐसा स्टूडेंट नहीं है, ये तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं। कैसा है वो? मतलब हमारे जैसा है। क्या करेगा? बहुत सिंसियर है और सबके आंसर देके आएगा। अगर आप लोग इस पे चले गए कि नहीं देके आएगा, तुक्का मार देगा ना वो, बहुत सबके देके आएगा। ठीक, तो क्या करेगा? सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बार लगा देगा। क्या करेगा बोलिए, क्या करेगा भाई? पहला इन द सेंस जो वो करने जा रहा है वो पहला है, ये नहीं कि बारी बारी सिंसियरली से पहला दूसरा तीसरा। जो भी उठाएगा उसको क्या बोलेगा? पहला। अब एक क्वेश्चन उसने उठाया, सपोज मेरी बात ध्यान देना, एक क्वेश्चन को उसने करने गया, एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन होता तो क्या करता? एक भी तरीका नहीं होता, ठीक ना करता, उसका आंसर सही होता। एक तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता कि नहीं? दो ऑप्शन होते हैं, बोले जल्दी, दो तरीके, दो क्वेश्चन की वजह से हुए कि ऑप्शन की वजह से? एक क्वेश्चन कितने तरीके से किया जाता? तीन ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन होते हैं। आज एक क्वेश्चन यहाँ कितने तरीके से किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने बार? चार। तो कितने बार चार आया? दो बार चार आता तो क्या होता है? चार इंटू चार ना, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर देना कि साथ साथ सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो साथ साथ देना है तो प्लस करें कि मल्टीप्लाई? मैंने बोला कोई काम एक के बाद एक साथ साथ होता चले जाता है, बीच में क्या धरते चले जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा बता दो भाई? तो पहले वाले के आंसर, हाँ, फोर की पावर पहले वाले का आ गया। ठीक, नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट फोर लेटर्स इन फाइव लेटर बॉक्सेस, मतलब वो लेटर जो पोस्ट किए जाते थे, ठीक है, वो कितने लेटर्स हैं? चार है। लेटर बॉक्स कितने हैं? चलो ठीक, ठीक है, पोस्ट करने हैं, पोस्ट करते हम लोग, तो क्या सारे लेटर पोस्ट कर देंगे एक बार में? एक ही साथ में पकड़ा, एक ही साथ में पकड़ा, एक यहां लगा लिया, ऐसे क्या करेंगे? एक को करेंगे, ठीक है, एक एक भी लेटर बॉक्स नहीं होते तो क्या करते है? क्या करते? लिए टहलते रहते। एक लेटर बॉक्स होता कितने तरीके से? दो लेटर बॉक्स होता दो तरीके से, दो लेटर, या एक एक लेटर दो तरीके से, तो चार लेटर बॉक्स है। कितने लेटर बॉक्स है यहाँ पे? एक लेटर कितने तरीके से? दूसरा लेटर, तीसरा, ऐसा तो है नहीं कि एक लेटर अगर पोस्ट कर दिया तो उसमें उस लेटर बॉक्स में दूसरा लेटर नहीं डालेंगे, ऐसा है? डाल सकते कि नहीं डाल सकते? ऐसा है क्या? तो सबके लिए समान तरीके हैं। एक लेटर के लिए कितने तरीके? और कितने लेटर हैं? तो पांच को कितने बार करेंगे? पांच इंटू पांच इंटू पांच इंटू पांच करेंगे, चार इंटू चार इंटू चार इंटू चार इंटू चार पांच बार करेंगे, तो फाइव 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 फाइव, बीच में क्या रखते जा रहे हैं? तो क्या हो गया? तो दूसरे वाले का आंसर ए या बी? ए मतलब, हाँ ठीक, ये आ गया। तीसरा, नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव डिस्टिंक्ट बॉल्स खेलने वाली कैन बी पुट इन टू फोर बॉक्सेस, तो भाई है ना सिंपल, एक बॉल को उठाएंगे और कितने बॉक्स है उसके लिए? तो कितने बार करना हमें? चार 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 करना है कि पांच 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 करना है? जल्दी बोलो, कितने बार? तो पांच की पावर चार की, चार की पावर पांच, कितने कितना आया? ए या बी? बी। अभी इससे पहले क्या आया था? उससे पहले, अच्छा अब उससे इसके बाद क्या आएगा देखते हैं। जेंटलमैन हैज फाइव फ्रेंड्स टू इनवाइट, जेंटलमैन मतलब सब है, उसके दोस्त है, सब को दोस्त नहीं होते, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड टू देम, मतलब उनको इनवाइट कर रहा है, कार्ड के थ्रू इनवाइट करेगा, ठीक है, और ही हैज फोर सर्वेंट्स, मतलब चार नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, जो जाके फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, ठीक है, और कितने फ्रेंड्स हैं? पांच, पांचों को बुलाना है कि किसी एक या दो को बुलाना है? पांचों आए, और बुलाएंगे कैसे जाएंगे? सर्वेंट से, तो क्या करेंगे? सर्वेंट एक एक के पास जाएंगे, तो एक एक के पास जाएंगे तो कितने बुलाए जाएंगे? एक के पास कोई नहीं जाएगा, या सारे एक के पास चले जाएंगे तो एक ही आ जाएगा,
तो क्या करेंगे? हाँ, एक फ्रेंड्स के पास कितने तरीके से जाया जा सकता है? क्यों? तो चार सर्वेंट्स हैं, ठीक है, चार ही तरीके। दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो क्या करेंगे? पांच 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 की चार चार चार, कितने बार? तो क्या आ गया है? तो ये इससे पहले क्या आया था? यही आया था। अच्छा, तो समझ रहे हैं ना? अब ये वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला। The number of ways in which five pictures, तस्वीर है, can be hung, मतलब hang का थर्ड फॉर्म, मतलब लटकानी है, टांगनी है, ठीक है? From five pictures nails, मतलब खूटियां, कितनी खूटियां हैं? और पिक्चर ने कितनी है? चार पिक्चर्स को कितनी खूटियों पर टांगना है? ऑन द वॉल, ठीक है? तो क्या करेंगे? सारी पिक्चर्स को इकट्ठे उठा के लटका देंगे। क्या करेंगे? एक उठाई और नेल्स कितनी है? पांच। तो पहले के लिए पांच, पांच में से पांचों पे टांग देंगे, एक पे, ठीक। दूसरे के लिए समझ रहे कि नहीं? उसी के ऊपर जिस पे टंग चुकी है उस पे टांग देंगे। हाँ, कोई बैठ चुका है जिस सीट पे उस पे बैठा देंगे। हाँ, तो जैसे पर्सन बैठते तस्वीरों को वैसे ही बिल्कुल ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो मतलब फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, हाँ वन भी कहा वन, हाँ तो कितना आया? फाइव फोर थ्री टू। पहली पहली पिक्चर्स के लिए कितनी नेल्स? पांच। दूसरी पिक्चर्स के लिए, तीसरी के लिए और, ठीक है? या ये कर सकते हैं, हाउ मेनी पिक्चर्स, पिक्चर्स कितनी है और पिक्चर्स नेल, तो फाइव माइनस फोर प्लस वन कितना आया? तो लास्ट वाला कहां तक रुकेगा? टू तक, ठीक है? मेरी बात समझ आई आई कि नहीं आई? तो इसका आंसर कौन सा आया? तो यहां पर फाइव की पावर फोर और फोर की पावर फाइव मत कर देना, ठीक? हाँ, तो देखिए क्वेश्चन, रैंक ऑफ द वर्ड मदर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन इसलिए उठा रहे हैं कि इससे कि इस पर आधारित जो क्वेश्चन आपके पास हो आप जरूर लगा लें, ठीक है? बहुत ही ईजी रहते हैं, ठीक। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहां पर इस वर्ड में जो लेटर अल्फाबेट आए हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग रख लेंगे। मतलब जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में जिस पोजीशन पे और जिस तरीके से आपके लेटर्स आ रहे हैं उसी तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आता है इंग्लिश अल्फाबेट में? ई। फिर कौन सा आता है? एच। फिर एम आता है। फिर ओ। फिर फिर और उसके बाद आते हैं, मगर इसमें जो आया है वो टी तक आया, ठीक। क्या बोला गया कि इस वर्ड में जो भी लेटर आए उन लेटर्स को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट आप सजा लीजिए, अरेंज कर लीजिए। कर लिया, पहला काम हो गया। अब जिस वर्ड की रैंक निकालनी है उसको भी लिख लेते हैं। एम ओ टी एच ई आर, ठीक है? सबसे लास्ट वाले अल्फाबेट को फैक्टोरियल जीरो देंगे, उससे पहले वाले को फैक्टोरियल वन देंगे, फिर बोल दो, और सबसे पहले वाले को, ठीक है? जिस वर्ड की रैंक निकालनी है उसको लिख लिया और लास्ट से फैक्टोरियल जीरो से रखते चले आए और यहां तक जहां तक पहुंचे। आगे पहुंचते तो क्या होता? और आगे पहुंचते तो ऐसे चलते जाते, ठीक है? और एक बात ध्यान रखें कि प्लस वन जरूर कर लें, ठीक है? इसके बाद क्या कर लेंगे? प्लस वन, भूल जाते हैं, अब प्लस वन कर लें जरूर, ठीक। ये मतलब एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, ठीक। ये शॉर्टकट बोल सकते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगा रहे, सीधे सीधे बता रहे हम। अब यहां पर सबसे पहला जो लेटर आया है वो क्या है? एम। अब वहां पर देखें, तो वहां पर देखें ये एम है क्या? ये है, ये है, हाँ पहुंच गए। अब जब पहुंचे तो उससे पहले कितने लेटर आए? अगर मान लो वो यहां पर एम की जगह ई होता तो यही पहुंच जाते, ठीक है? और इसके पहले कितने आए? जीरो। तो अगर ई होता, एग्जांपल में ई होता तो यहां पे जीरो का मल्टीप्लाई करते, बट अभी जीरो नहीं है, क्या है? एम है। तो एम के पहले कितने आए?
तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, उसको भी मतलब काटने का मतलब क्या है, वो हट चुका है, अब उसकी काउंटिंग यहां पर नहीं रही, उसके आगे बढ़ेंगे ओ। अब वही फिर जहां पे आपने रखे हैं वहां पे जाइए कि ओ कहां पर है, तो ओ यहां पर है, इसके आगे कितने लेटर हैं, वैसे 3 थे बट उससे पहले एम को हम काउंट कर चुके, तो एम को अब गिनेंगे नहीं, तो एम को नहीं गिना, 1 और 2, तो 2 को क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस ओ को भी क्या कर देंगे हटा देंगे, हटा दिया, यानी कि अब यहां पर एम का ओ का एग्जिस्टेंस नहीं है। उसके बाद किस पे आएंगे, टी पर, टी पर आएंगे, तो टी कहां पर है, यहां। अब टी के पहले क्या है, 1 2 3, हमने बोला इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, इनको हटा दिया, तो टी के 7 वाले कितना मल्टीप्लाई 3 का, टी को भी हटा दिया, एच के भाई आगे कितना, एच को भी हटा दिया, फिर ई के आगे, ई के आगे कितने हैं, इसको हटा दिया और 0 का मल्टीप्लाई किया, आर के आगे एक भी बचे 0। अब आपको ये याद रखना होगा फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, 120, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, हैं, हाँ कुछ होता है, आप लोग याद कर ले, ठीक, अब कर लेंगे आराम से, इसे जोड़ेंगे, याद हमें आंसर है 309 आ जाएगा, एग्जाम हमने भी दिया है, ठीक है, रटा रटा आया है, ठीक। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सबसे पहली बात डिविजिबिलिटी, 2 से डिविजिबल नंबर, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो काउंटेशन कॉम्बिनेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, और डिजिट से नंबर बनाना ये भी आपको सीखना होगा। तो हमने क्वेश्चन को उठाया है, उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि डिविजिबल बाई 4 कैसे नंबर निकालना है, या इसी पर आधारित क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी बात भी छिपी हुई है, उसको भी ध्यान देना, विदाउट रिपीटेशन का मतलब है कि जैसे कि कोई भी डिजिट यहाँ पे आए हैं, तो एक बार जब नंबर बनाएंगे तो मतलब 1 को 1 से ज्यादा बार नहीं ले सकते, 2 को भी 1 से ज्यादा बार नहीं ले सकते, कि कितने बार लेना होगा उस नंबर में, कितने बार लेना होगा, केवल 1 ही बार। तो उसने बोला, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ ऑल 5 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4, ठीक है, 5 डिजिट वाला नंबर जो 4 से डिविजिबल हो और कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, मतलब उसने डिजिट दे दिए, इन्हीं डिजिट को यूज करना, 0 1 2 3 4, और डिजिट विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अब आप देखें डिविजिबल बाई 4, जब डिविजिबल बाई 4 देखते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वहां 2 डिजिट ऐसी आए कि 4 का जब भाग दें तो डिविजिबल हो जाए, ठीक। सबसे पहली बात, जैसे कि एग्जाम्पल में 12 लास्ट में आ जाए, एग्जाम्पल में क्या 12 32 आ जाए लास्ट में, उससे पहले कुछ भी आए वो 100% 4 से डिविजिबल नंबर होगा, ठीक। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, कभी भी नंबर जब फॉर्म करते हैं तो 0 को बहुत ज्यादा ध्यान देखते हैं, 0 को पहले अलग कर लेते हैं, क्योंकि 0 अगर जहां पे आप उसको फिक्स कर रहे हैं, अगर उसको नहीं फिक्स किया, उसे आगे बढ़ा दिया, तो जब वो जैसे कि ये नंबर है एग्जाम्पल में 012, तो ये 3 डिजिट का है कि 2 डिजिट का, 2 डिजिट का, माना आपने 3 का है और हो गया 2 डिजिट, 120 3 डिजिट, तो यही बात है कि 0 के साथ ही गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले 0 के पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो पहले हम वो नंबर देखें कि लास्ट में 4 से वो नंबर डिविजिबल हो भी जाए और 0 आ जाए, तो क्या क्या होगा, 04, लास्ट में अगर 04 आ जाए तो नंबर डिविजिबल हो जाएगी नहीं, 20 हो जाए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 40 आ जाए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ, तो 0 के साथ ये कॉम्बिनेशन बने, जब लास्ट में ऐसे आएंगे तो 4 से डिविजिबल होंगे, तो 0 पहले से फिक्स किया गया, आगे 0 होगा। आप इस वाले नंबर में जब बनाने जा रहे हैं तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 5 डिजिट, कितने डिजिट हम लोग यूज कर चुके हैं, आप कितने प्लेस बचे, डिजिट कितने बचे, 3 डिजिट, 3 लोग 3 सीटों पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, बोलो भाई, हाँ, एन लोग एन सीटों पर एन फैक्टोरियल तरीके से, तो 3 लोग 3 प्लेस पर 3 फैक्टोरियल तरीके से, तो इस केस में ये तो एक ही तरीके से बैठे फैक्टोरियल तरीके से 3 तरीके से, इस केस में भी वही काम होगा, 3 डिजिट फैक्टोरियल 3 तरीके से, और इसमें भी क्या वही काम होगा,
फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 6 को कितने बार जोड़ा, क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, तो 18 ऐसे नंबर बने जिसमें एंड में जीरो आ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं 1 के साथ, तो जब 1 0 बनेगा तो वो डिविजन नहीं होता है, 1 2 बनेगा तो 1 2 वाला होता है, 1 3 वाला, 1 4 वाला नहीं होता है, 2 0 वाला ले चुके हैं, 2 1 वाला नहीं होता है, 2 3 वाला, 2 4 वाला होता है, 3 0 वाला नहीं होता, 3 1 वाला, 3 2 वाला होता है, 3 4 वाला, 4 0 वाला होता है, 1 ले चुके, 4 1 वाला, 4 2 4 3 कोई नहीं ना। अब लास्ट में अगर ये आएगा तो 4 से डिविजन हो जाएंगे। अब प्लेसेस कितनी बची, प्लेसेस हमारी 3 बची। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 लास्ट में हमने फिक्स कर दिया, मतलब फिक्स कर, जब भी कोई चीज को फिक्स कर देते हैं भाई, हमने बोल दिया कि ये दो लोग यहां बैठेंगे, तो अब उनकी अरेंजमेंट की हेडक हमारी खत्म हो गई, मतलब वो 1 तरीके से बैठ गए, तो 1 2 तो 1 तरीके से बैठ गए, तो 1 2 फॉर एग्जाम्पल 1 2 चले गए, तो हमारे पास 0 3 4 आया, क्या आया 0 3 4। अगर हमने 0 को यहां चिपका दिया तो फिर कितने डिजिट का बन जाएगा, बोलो भाई, बनाया हमने 5 का, बन कितने का गया, तो ऐसे नंबर्स काउंट हो गए, तो 0 को यहां नहीं लाएंगे, तो 0 को नहीं लाएंगे कितने नंबर यहां जाएंगे, तो 2 तरीके से भरा जाएगा। अब कोई नंबर यहां पे चला गया, सपोज ये चला गया, अब यहां पर ये कितने तरीके से, 2 तरीके से, ये कितना कितने एक, तो ये कितने तरीके से बना, देखो ये 6 तरीके से बना था, ये कितने 4 तरीके से, तो ये 4 और 4 और 4 कितने काम हो गए, 6 काम हो गए, वही 6 18 18 36 जो बना रहे हो वही कितने काम हो गए, 6 काम हो गए, 36 में से 6 काम गए कितने है, हाँ तो वो बेवकूफों के लिए आया कि वो 36 लगा दे आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल यही ऐसा क्वेश्चन था जो आपको करना था, वो जो आपने किया नहीं। तो लास्ट में जो क्वेश्चन हमने लेके आ रहे हैं, 5वां जिसको बोले हैं, इसमें 3 पार्ट हमने दिए हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे, उसको चैलेंजिंग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा है कि लास्ट के जो वीडियोस हमने देखे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए लास्ट वाले के, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग इसको कर भी रहे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले मैं रियल में ऐसी बना देता चैलेंजिंग, अब जो क्वेश्चन दिए हैं, जो लोग आंसर दे रहे हैं, उन देख रहे हैं कि वो लोग सीरियसली ले रहे हैं, तो वाकई में 3 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो सीरियसली मैंने इस पर ध्यान दिया है कि ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और इनमें जो भी क्वेश्चन अभी देखेंगे तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बट अगर कुछ भी ना कर पाए तो आंसर जरूर याद कर लें। ठीक है, देखा गया कि बहुत बार आए या इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कॉन्फिडेंस कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर आप आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो कम से कम इसके आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आते हैं, अब अगर आपको आंसर नहीं मिला तो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पहले क्वेश्चन का कोई आंसर अगर देता है या उसका एक्सप्लेनेशन देता है तो स्पेशली मावला क्लासेस की तरफ से उसको थैंक्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर सबको पता है, सबको याद है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ ए क्यूब विद 6 डिफरेंट कलर्स, क्यूब्स के फेसेस को 6 डिफरेंट कलर से पेंट करना है, तो ऑप्शंस में है 1 6 फैक्टोरियल 6 नॉन ऑफ दीज, तो आंसर ज्यादातर लोगों को पता होगा, बट आंसर ऐसा क्यों आया अगर उसका एक्सप्लेनेशन आप दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही कम लोगों से ये डिस्कस, ज्यादातर लोगों से डिस्कस किया, बहुत कम लोग सही तरीके से इसका आंसर्स का एक्सप्लेनेशन अभी तक दे पाए हैं, तो ये चैलेंजिंग है वाकई में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बहुत बार देखा गया एग्जाम में आता है, और इस पर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि 10 पॉइंट्स लिए गए और 10 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट कोलिनियर है, तो कितनी लाइंस बनाई जा सकती हैं, कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, कितने पैरोग्राम बनाए जा सकते हैं लाइंस को लेके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, अगर आप करेंगे तो कर लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये वाला क्वेश्चन देखा गया है इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं लग पाता जो फॉर्मूला बताए गए, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है। एक बार अगर आप मैनुअली काउंट करने की कोशिश करें पैटर्न बन पाता, अदरवाइज इस पैटर्न के क्वेश्चन के जरूर आंसर देख लें। ठीक है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइंस एंड 4 सर्किल्स, 8 स्ट्रेट लाइंस हैं और 4 सर्किल हैं, तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि और भी क्वेश्चन हैं 2-3 जिनके आपको सोल्यूशन निकाल के रखने हैं जो बहुत बार आए हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी तरीका नहीं लग पा रहा है। ऑप्शन में 32, 64, 76 और 10
4, ठीक है, इसका ऑप्शन जो भी होगा आप उसको हमारे तक पहुंचाएं। लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा आप इस पे कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं तो रिलेशन में नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं मैपिंग में, और जो मैपिंग्स निकालते हैं या सेट थ्योरी में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है, आप उस कॉन्सेप्ट को भी लेके आएंगे, और ये प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा इसका रोल है इस टाइप का या सेट थ्योरी में। नंबर ऑफ ऑल थ्री एलिमेंट सबसेट्स ऑफ द सेट्स, मतलब इस सेट से थ्री एलिमेंट्स का सबसेट बनाया गया विच कंटेन्स ए थ्री, वो सारे तीन तीन एलिमेंट्स के सबसेट जिसमें ए थ्री हो, ठीक है। ऑप्शन में हम पढ़ दे रहे हैं एन सी थ्री, एन माइनस वन सी थ्री, एन माइनस वन सी टू और नन ऑफ दीज, ठीक है। हमारा केवल उद्देश्य यही था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पूरा पढ़ाना ही नहीं, एक आपको केवल थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है। इसी तरीके से लास्ट में आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो क्विक रिवीजन कर लें, अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे तो आप बिल्कुल उससे बहुत ही दूर हैं, फिर आप उसको बिल्कुल ना पकड़ें, ठीक है। थैंक यू।